नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मेहला और इस समय मौजूद है करनाल के निसिंग में, जहां पर जो एमएलए है, विधायक है नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, जो कि आजाद जो एमएलए और उनका विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा। उनका एक कार्यक्रम था जो गौशाला में एक प्रोग्राम था, वहां पर उन्हें आना था, हालांकि वो यहां पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो काफी संख्या में किसान यूनियन के नेता और किसान नेता इकट्ठा होकर यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर, काले झंडे लेकर यहां पर पहुंचे। हालांकि कुछ ही दूरी पर जो गौशाला, वहां पर उनका प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन वो यहां पर फिलहाल नहीं पहुंचे और उनका कारण बताया जा रहा है कि किसी कारणों की वजह से वो यहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन जो किसान काफी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए नजर जरूर आ रहे, कुछ किसानों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरह से जो किसान काले झंडे लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे बाबू जी, आज किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे और क्यों इकट्ठा हुए? आज बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आज एमएलए नहीं आना था? आना था, नहीं आएगा, आने भी नहीं देगा। कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते सर, क्या कहेंगे आज जो एमएलए ने यहाँ पर आना था, फिलहाल वो उनका कोई बताया जा रहा कोई कारण वजह से नहीं आ रहे, क्या पूरा मामला? कारण तो जी उसको ही पता है क्यों नहीं आ रहे। हम तो अपना विरोध करेंगे और करते ही रहेंगे, वो आए या ना आए हमारा तो काम है, हम उसका विरोध करेंगे, उसको यहाँ मोड़ से आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो तो भाजपा से विधायक नहीं आया, लेकिन उनका जो समर्थन जरूर देखने को मिला, तो किस तरह से देखते हैं आप? हम उसको देखते हैं, हमने इस इलाके के लोगों ने उनको बनाया, आजाद उम्मीदवार उसको बना के भेजा, तो उस पार्टी में रल गया, इसलिए हम उसको अच्छा नहीं समझते। उसको ज्ञापन भी सौंपा हमारे अमनदीप सिंह प्रधान जी ने, उसके घर वालों ने ये हमारे को दर्शन भी दिलाया कि हम नहीं जाएंगे, हम किसानों की तरफ हैं। पर आज उनका पता लगा कि वे फिर आ रहे हैं, इसीलिए ये सारे किसान जो है उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, गौशाला इसे 1.5 किलोमीटर आगे है, नहीं हम यहीं रहेंगे। जो उधर धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हमारा प्रोग्राम है, वैसे ही चलेगा जैसे वो आए साल पहले चलता है। हाँ जी, वो भंडारा का रखा उन्होंने, स्वामी जी ने भंडारा का रखा है, सुबह स्वामी जी के पास गए थे, स्वामी जी ने बोला वो नहीं आएगा। हाँ जी, पहले कहा था उनको भी आएंगे विरोध करेंगे अगर आएंगे तो। हाँ आएंगे तो विरोध करेंगे कहा था जी। तो आप देख सकते हैं कि जो किसान काफी नाराज जरूर है, क्योंकि लगातार किसानों के द्वारा अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग बात की जाए सड़क जाम जो और रेल चक्का जाम, अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए नीलोखेड़ी के निसिंग हल्के की, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो काफी संख्या में जो किसान यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आए। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर नीचे आप इकट्ठे हुए हैं, क्या विरोध कर रहे हैं क्या पूरा? जैसे कि सरदार गुरनाम सिंह चुडुन्नी जी का और हमारे संयुक्त मोर्चा का ये कॉल थी, हमने 9 तारीख को सभी जितने भी हरियाणा के विधायक हैं उनको विज्ञापन सौंपा था, आजाद विधायक हो, जेजेपी के हो या बीजेपी के हो, या तो आप किसानों के हक में आ जाओ या बीजेपी के हक में चले जाओ, किसानों पर दोहरी राजनीति मत करो, दोगलापन जो दोगली नीति है वो मत रखो। और जब हम यहाँ इनके घर गए विधायक धर्मपाल गोंदर के, इनकी धर्मपत्नी से हमने विज्ञापन सौंपा, उन्होंने हमें विश्वास भी दिलवाया था कि किसानों के हक में वोट होगा, जो 10 तारीख को ये बीजेपी के हक में गए हैं, और उसके बाद किसानों ने यह बोल दिया था ये लास्ट मौका है, उसके बाद ना गांव में ना शहरों में कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज हम सुबह गौशाला में प्रोग्राम था, स्वामी जी के पास भी गए, वहां लंगर में रस भी डाल के आए, वो छत्ती बिरादरी का साझा भंडारा है, वो भंडारा ऐसे कैसा चलेगा उसको कोई बिगड़ नहीं डालेगा। पर स्वामी जी को भी हमने ये बेनती की, आप विधायक को अपनी तरफ से भी बोल दो, हमने तो गुजरने नहीं देना, और उन्होंने भी किसान यूनियन का स्वागत किया और ये बोला कि हम किसानों के साथ हैं, और आज ये किसानों में भारी जोश है। कल एक शाम को मैं एक छोटा सा मैसेज डाला था, आज सैकड़ों की संख्या में किसान आए हैं, आगे भी जहां प्रोग्राम करेंगे इनको घुसने नहीं देंगे, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP पर कानून नहीं बनता, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होती, किसान जेजेपी बीजेपी इन विधायकों का गाँव में शहरों में घुसना बंद कर देगा बिल्कुल। जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके हक में जो आजाद उम्मीदवार थे, जो MLA थे, वो दो ही आए हैं, उनको कैसे देखते हैं? जो दो आए हैं उन एक कुंडू जी हैं, दूसरे का नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, उन दोनों MLA का किसान यूनियन की तरफ से हम सारी किसानों की तरफ से स्वागत करते हैं, उनको आने वाले टाइम में भारी मतों से फिर MLA बना के विधानसभा में भेजेंगे। जो ये धर्मपाल गोंदर है आपके विधायक हैं, अगर और कहीं प्रोग्राम करेंगे वो भी? जहां भी ये प्रोग्राम करेंगे सभी गाँव के लोग, जिस गाँव में प्रोग्राम करेंगे वो लोग वहां इनका विरोध करेंगे। मैं भी गोंदर गाँव से हूँ, हमारे गाँव से ये जो है धर्मपाल गोंदर जी है विधायक है, सारा गोंदर गाँव आज इनके विरोध में यहाँ खड़ा।
खड़ा है, 36 बलादरी विरोध में खड़ी है। प्रोग्राम कोई होने नहीं देंगे जब तक किसान की का हल नहीं होता। आप देख सकते हैं कि जो किसान यूनियन की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान किया जा रहा है कि जो भी प्रोग्राम है वो उनका यहाँ पर किसी भी गाँव में नहीं होने दिया जाएगा, और उसका अगर कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर होता है उसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो गौशाला जो रोड है कुछ ही दूरी पर गौशाला, हालांकि जो एहतियात के मद्देनजर यहाँ पर जो सुरक्षा बल जो पुलिस है वो भी यहाँ पर लगाई गई है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में उनके द्वारा वोटिंग नहीं की गई, क्योंकि जो दो ही जो विधायक थे उनका जो समर्थन जरूर देखने को मिला, लेकिन और भी जो अन्य जो जो आजाद उम्मीदवार थे MLA थे उन्होंने किसी ने भी कोई समर्थन नहीं दिया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिन जो दो MLO की तरफ से जो समर्थन दिया गया उन्हें भारी मतों से आगे विजय बनाया जाएगा और उनका साथ दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने जो पक्ष में वोट नहीं दी और किसानों के पक्ष में वो नहीं आए उनका किसी भी गांव या हलके में कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। करनाल से विकास मेला, पंजाब केसरी TV, करनाल।